वेलकम टू एन के क्लासेस। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फोर्थ वीडियो, जिसमें हम इलोंगेशन इन दी बार देखने वाले हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। अब जो आपका बार होता है वो दो टाइप्स का हो सकता है, या तो वो प्रिज्मेटिक होगा या फिर वो नॉन प्रिज्मेटिक होगा। प्रिज्मेटिक बार मीन्स क्या होता है, जहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द लेंथ, मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो सेम होगा, मतलब कॉन्स्टेंट होगा। और एक होता है नॉन प्रिज्मेटिक बार, उसमें क्या है कि जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल रहेगा लेंथ के साथ वो डिफरेंट रहेगा। सो जो आपका प्रिज्मेटिक बार होता है वो सेम क्रॉस एरिया होता है थ्रू आउट दी लेंथ। जैसे यहाँ पे हम इस बार को देखेंगे तो यहाँ पे भी इस एंड पे भी डी डायमीटर है और यहाँ पे भी डी डायमीटर है, तो ऐसे बार को हम क्या कहेंगे, प्रिज्मेटिक बार। सो सबसे पहले हम प्रिज्मेटिक बार के लिए इलोंगेशन निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं पी बाय ए, ई कॉन्स्टेंट होता है। स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल, हमको डिटरमाइन करना है डेल्टा एल। सो हम एल को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी इंटू एल, और ई को नीचे लाएंगे तो वो हो जाएगा ए इंटू ई। सो जो हमारा इलोंगेशन है प्रिज्मेटिक बार में वो कितना हो जाता है, पी एल बाय ए। अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो पी को हम किस में रखेंगे, न्यूटन में। एल को हम किस में रखेंगे, एमएम में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किस में रखेंगे, एमएम स्क्वायर में। एंड जो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम काय में रखेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। सो अगर हम ये यूनिट्स के हिसाब से इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो जो हमारा इलोंगेशन आएगा बार में वो कितना आ जाएगा, एमएम में आ जाएगा। सो उसकी यूनिट क्या लेंगे, हम एमएम में लेंगे। अब जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मीन्स हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कराने पड़ेगी जब भी हम इलोंगेशन इन दी बार के न्यूमेरिकल करेंगे तब। इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स क्या है कि अगर हम एक बार लेते हैं और उसके एक एंड पे कोई फोर्स लग रहा है, जैसे मान ले 90 किलो न्यूटन, तो जो उसका दूसरा एंड है वहां पे भी कितना फोर्स लगना चाहिए, 90 किलो न्यूटन। तो हम जब भी इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सेटिस्फाई करवाएंगे कि वो जो बार है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो हम उसको इक्विलिब्रियम में लाएंगे। सो इलोंगेशन इन दी बार के जो न्यूमेरिकल्स है वो किस कॉन्सेप्ट पे होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि जो हम इलोंगेशन निकालेंगे किसी भी बार में वो कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एन एक्सियल पूल ऑफ लोड्स आर शोन इन फिगर। सो हमको एक ये फिगर दे रखा है, इसमें चार लोड लगा रखे हैं एक्सियल लोड्स। ये बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm स्क्वायर। सो सबका जो एरिया है वो कितना है, 1000 mm स्क्वायर। फाइंड द टोटल इलोंगेशन इन द बार। सो जो भी ये लोड्स लग रहे हैं, यहाँ पे सीरीज ऑफ लोड्स लग रहे हैं, इनके कारण जो उसमें टोटल इलोंगेशन है वो क्या आएगा, वो हमको फाइंड करना है। अब उन्होंने ई जो है कॉन्स्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू हमको दी रखी है 1.05 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने हमारे पास ब्लॉक है वो हम कंसीडर करेंगे, मींस यहाँ पे हमारे पास तीन ब्लॉक है, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे, अलग अलग हम इसमें इलोंगेशन निकालेंगे और हम क्या करेंगे, टोटल इलोंगेशन उसका फाइंड कर लेंगे। अगर कोई टेंसाइल लोड होगा तो उसका हम इलोंगेशन पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर कोई कंप्रेसिव लोड होगा तो उसका हम इलोंगेशन नेगेटिव लिखेंगे। जब हम नेगेटिव लिखेंगे तो उसको साइन के साथ पुट करेंगे और उसको हम माइनस में लिखेंगे। सो सबसे पहले हम ब्लॉक्स ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे तीन ब्लॉक्स है तो हम तीन ब्लॉक्स ले लेंगे, और यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं। तो जो हमारा एरिया है वो गिवन है हमको 1000 mm स्क्वायर, और जो हमारा ई है वो हमको गिवन है 1.05 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ ये हर एक ब्लॉक का
जो आपकी लेंथ है वो गिवन है, जैसे फर्स्ट ब्लॉक की लेंथ कितनी है 600 mm है, सेकेंड वाले ब्लॉक की कितनी 1 मीटर है, और थर्ड वाले ब्लॉक की कितनी है 1.2 mm. नाउ हम एक एक ब्लॉक को कंसीडर करते हैं. तो जब हम फर्स्ट ब्लॉक को कंसीडर करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 600 mm, और उसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 1000 mm स्क्वायर. फोर्स की बात करते हैं तो इस साइड कितना फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ पे इस साइड कितना फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 50 किलो न्यूटन. नाउ अब हमको इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करानी है, तो अगर इस एंड पे 50 किलो न्यूटन लग रहा है, अगर इस एंड पे कितना लग रहा है 50 किलो न्यूटन, तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराने के लिए सेकेंड एंड पे भी कितना लोड होना चाहिए 50 किलो न्यूटन. और यही इसका कॉन्सेप्ट है इलोंगेशन इन द बार निकालने के लिए. सो अगर हम इसको डेल एल वन लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा पी एल बाई ए. पी वन हमारे पास कितना है 50, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं न्यूटन में, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जो हम इलोंगेशन निकालते हैं तब हम पी की वैल्यू काय में रखते हैं न्यूटन में. तो यहाँ पे किलो न्यूटन गिवन है, उसको न्यूटन में करने के लिए हमको कितना इंटू करना पड़ेगा 1000 का इंटू लेंथ. लेंथ कितनी है 600 mm, क्योंकि हम लेंथ जो है वो mm में कंसिडर करते हैं. एरिया हमारे पास है 1000 इंटू ई, हमारे पास 1.05 इंटू 10 की पावर 5. अब यहाँ पे टेंसाइल लोड है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर यही कंप्रेसिव लोड होता तो हम उसको कैसा लेते हैं नेगेटिव लेते हैं. अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं. सो 50 इंटू 1000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा mm में 0.285 mm. सो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट ब्लॉक के लिए. अब गाइज हम सेकेंड ब्लॉक कंसीडर करेंगे. सो हम सेकेंड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. ये हमने सेकेंड ब्लॉक कंसीडर करा. अब यहाँ पे हमको देखना है कि इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा है और इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा है. तो अगर हम एक एंड का निकाल लेते हैं तो दूसरे एंड पे हम इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करा सकते हैं. सो अगर हम इस एंड पे देखते हैं तो 80 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है और 50 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो अगर हम नेट निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन है, दो माइनस हो जाएंगे, तो 80 माइनस 50, और 80 बड़ा है तो नेट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में. तो मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 किलो न्यूटन. नाउ ये आ गया आपका 30 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, मतलब कंप्रेसिव लोड है. अब अगर मैं इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराऊं इस एंड पे तो मेरे को 30 किलो न्यूटन का लोड इस साइड लगाना पड़ेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी. वापस देख लीजिए 30 किलो न्यूटन कैसे आया. गाइस यहाँ पे आ रहा है आपका 80 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में और 50 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में. सो अगर हम नेट निकालें तो 80 माइनस, अब डायरेक्शन अलग है तो माइनस हो जाएंगे, तो नेट आ जाएगा 80 माइनस 50 30, और 80 बड़ा है तो इस डायरेक्शन में है तो 30 भी किस डायरेक्शन में लगेगा गाइस, इस डायरेक्शन में लगेगा. नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराएं तो ये 30 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में है, तो जीरो होने के लिए 30 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में लगना चाहिए. इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 1 मीटर है. वापस हम डेल एल टू लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि जो लोड है आपका वो कैसा है कंप्रेसिव है, लोड आपका कैसा है कंप्रेसिव है. सो यहाँ आ जाएगा माइनस 30, उसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे. फिर यहाँ पे आपको लेंथ 1 मीटर गिवन है और हम लेंथ को mm में लेते हैं, तो उसको हम वापस से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, mm में, डिवाइडेड बाय आपका एरिया आपको गिवन है 1000 इंटू ई आपको गिवन है 1.05 इंटू 10 की पावर 5. ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, हम इसको निकाल लेते हैं. ये हो गया आपका माइनस 0.285 mm. सो गाइज हमने डेल एल वन निकाला, डेल एल टू निकाला, अब हम निकालेंगे डेल एल थ्री. तो हम थर्ड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं. ये हमारा थर्ड ब्लॉक हो गया. अब थर्ड ब्लॉक पे अगर हम इस एंड पे देखें तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है कितना का, 10 किलो न्यूटन का. तो हम इसको 10 किलो न्यूटन लगा देते हैं. अब गाइज अगर इस एंड पे 10 किलो न्यूटन लग रहा है तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराने के लिए इसमें भी कितना लगाना पड़ेगा, 10 किलो न्यूटन. सो इसकी लेंथ अगर हम लिखें तो 1.2 मीटर.
अब डेल एल थ्री हमको निकालना है, कंप्रेसिव है तो माइनस लगा देंगे, पी थ्री एल थ्री डिवाइडेड बाई ए ई। अगर हम पी थ्री की वैल्यू लिखें तो 10, उसको चेंज करेंगे न्यूटन में, फिर लेंथ को चेंज करेंगे हम एमएम में, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू, सो ये हमारे पास निकल गया क्या डेल एल थ्री। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.114 mm। सो अगर आपको टोटल निकालना है तो हम गाइज हम टोटल कैसे निकालेंगे, जो भी आपका डेल एल होगा वो होगा आपका डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री। अगर आप देखोगे डेल एल वन कितना था 0.285, डेल एल टू कितना था -0.285 और डेल एल थ्री का 4 -0.114। तो जो आपका नेट आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा आपका माइनस में माइनस का 0.114 mm। आपका ये जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट कर रहा है कि जो बार है वो डिफॉर्म हुआ है, मतलब उसमें क्या हुआ है डिफॉर्मेशन हुआ है। सो गाइस जो भी आपका टोटल इलोंगेशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी हमको ब्लॉक गिवन है वो हम एक एक करके कंसीडर करेंगे, हर एक में अलग अलग इलोंगेशन निकालेंगे और फिर उनका हम क्या कर देंगे टोटल इलोंगेशन कर देंगे विद साइन। साइन कैसा है कि अगर आपको टेंसाइल लोड गिवन है, अगर आपको कैसा लोड गिवन है टेंसाइल लोड, तो वहां पे हम पॉजिटिव इलोंगेशन कंसीडर करेंगे, और अगर आपको कंप्रेसिव लोड गिवन है या मतलब कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो वहां पे हम क्या साइन लेंगे नेगेटिव लेंगे और हम साइन के साथ ही उसको रखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या टोटल इलोंगेशन फाइंड कर सकते हैं, और इसमें किसका कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, मींस आप हर ब्लॉक को इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराओ, उसका अलग से इलोंगेशन निकालो और फिर टोटल इलोंगेशन निकाल दो। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, तो गाइज यहां पर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फाइंड टोटल इलोंगेशन इन द बार एज शोन इन फिगर, टेक ई इज इक्वल्स टू 2.1 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो हमको एक फिगर दे रखा है, उसमें हमको लोड गिवन है इस इधर 45 किलो न्यूटन लग रहा है, फिर 365, फिर 450 किलो न्यूटन लग रहा है और इस एंड पे 130 किलो न्यूटन लग रहा है। यहाँ पे आपका जो एरिया है वो अलग अलग है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो एरिया था हर एक ब्लॉक का वो सेम था 1000, बट यहाँ पे हर एक का जो एरिया है वो डिफरेंट है। इधर 6 to 5 mm² गिवन है, यहाँ पे 2500 mm² है और यहाँ पे 1250 mm² है। सो यहाँ पे भी सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमारे पास A1 कितना गिवन है 625 mm², A2 कितना गिवन है हमारे पास 2500 mm², A3 हमारे पास गिवन है 1250 mm². अगर हम E की बात करते हैं तो E हमारे पास है 2.1 × 10^5 न्यूटन पर mm². नाउ हम ब्लॉक्स कर कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया। अब हमें हमको इसमें क्या निकालना है टोटल इलोंगेशन। सो टोटल इलोंगेशन के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग ब्लॉक कंसीडर करके उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करा के उसका इलोंगेशन निकालेंगे और विथ लोड टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव साइन लगाएंगे कि नेगेटिव साइन लगाएंगे, और विथ साइन हम क्या निकाल सकते हैं टोटल इलोंगेशन। सो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लॉक कंसिडर करते हैं, तो जब हम फर्स्ट ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंड पे लोड कितना लग रहा है 45 किलो न्यूटन। अब इस एंड पे 45 किलो न्यूटन लग रहा है, तो जब मैं इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराऊंगा तो इस एंड पे भी कितना लोड आना चाहिए 45 किलो न्यूटन।
अगर इसकी लेंथ देखें तो लेंथ हमको गिवन है 120 सेंटीमीटर और एरिया इसका गिवन है हमको 625 mm². सो लोड टेंसाइल है तो जो हमारा इलोंगेशन आएगा डेल्टा एल वन वो पॉजिटिव आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं पी वन एल वन डिवाइडेड बाय ए वन ई वन। पी वन हमारे पास कितना है 45, कितना इंटू कर देंगे हम 1000 का क्योंकि ये किलो न्यूटन में गिवन है और जब हम इलोंगेशन निकालते हैं तो वो हम काय में निकालते हैं न्यूटन में। इंटू लेंथ हमारी जो है वो 120 सेंटीमीटर है, जब हम इसको mm में करेंगे तो 10 से इंटू कर देंगे डिवाइडेड बाय आपको एरिया गिवन है 625 इंटू ई गिवन है 2.1 इंटू 10 की पावर 5। नाउ इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 45 इंटू 1000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 625। सो हमारा इसके लिए इलोंगेशन आ जाएगा 411 mm। अब ये टेंसाइल लोड था तो हमारा जो इलोंगेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नाउ अब हम सेकेंड ब्लॉक कंसिडर करते हैं। सो सेकेंड ब्लॉक जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो हम उसमें इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो यहां पे आपका 365 किलो न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में और 45 किलो न्यूटन लग रहा है उस डायरेक्शन में। तो जब हम नेट निकालेंगे तो नेट हमारे पास आ जाएगा 320 किलो न्यूटन और जब हम नेट लगाएंगे 320 किलो न्यूटन तो वो किस डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में क्योंकि 365 इस डायरेक्शन में है और 45 उस डायरेक्शन में तो आपका नेट इस डायरेक्शन में आएगा कितना है 320 किलो न्यूटन। नाउ अगर इधर आपका 320 किलो न्यूटन लग रहा है तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराने के लिए इधर भी कितना लगाएंगे 320 किलो न्यूटन। अब इसमें हम लेंथ देखें तो लेंथ कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर और आपका एरिया कितना गिवन है 2500 mm². सो यहाँ पे हम डेल L2 निकाल सकते हैं। अब जैसे कि लोड जो है आपका वो कंप्रेसिव है तो साइन क्या लेंगे हम नेगेटिव तो यहाँ पे आ जाएगा P2L2 डिवाइडेड बाय A2E। P2 आपका गिवन है 320 इंटू 1000 क्योंकि जो लोड है वो हम न्यूटन में कंसिडर करते हैं और यहाँ पे किलो न्यूटन गिवन है ये आपका 600 उसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय A2 आपका गिवन है 2500 इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 5। नाउ इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.365 mm। सो गाइस हमने डेल्टा L1 निकाल लिया डेल्टा L2 निकाल लिया अब बचता है हमारा थर्ड ब्लॉक तो थर्ड ब्लॉक के लिए हम वापस वही इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराएंगे सबसे पहले। सो ये हमारा थर्ड ब्लॉक है इसमें जब हम देखते हैं तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 130 किलो न्यूटन सो इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया 130 किलो न्यूटन। अब अगर हम इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराएंगे तो इस डायरेक्शन में भी कितना लोड लगाएंगे 130 किलो न्यूटन। अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ हमको कितना गिवन है 90 सेंटीमीटर तो लेंथ हो जाएगी हमारी 90 सेंटीमीटर। एरिया की बात करें तो एरिया हमको गिवन है 1250 mm². सो डेल्टा L3 क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे लोड कैसा है टेंसाइल लोड है सो P3L3 डिवाइडेड बाय A3E। अब P आपका कितना हो जाएगा 130 इंटू उसको न्यूटन में कर लेंगे ये आपका mm में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1250 इंटू आपका जो E है वो है आपके पास 2.1 इंटू 10 की पावर 5। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.445 mm और ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे जो लोड था वो कैसा था टेंसाइल लोड था। नाउ अगर आप टोटल इलोंगेशन निकालेंगे तो जो आपका टोटल इलोंगेशन है वो कितना आएगा डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री तो हम डेल एल वन की वैल्यू निकाल देख लेते हैं कितनी आ रही है हमारी
4.411 और ये कितना आ रहा है 0.365, वो माइनस में क्योंकि वहां पे कंप्रेसिव लोड था। वो जो आपका डेल्टा 3 है वो कितना है 0.445। तो अगर हम टोटल इलोंगेशन निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.491 mm। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो बार है उसमें क्या आ रहा है, इलोंगेशन आ रहा है। सो गाइज, ये जो हमने इलोंगेशन निकाला ये किसके लिए था, प्रिज्मेटिक बार के लिए था। प्रिज्मेटिक बार क्या होती है, जिसमें जो आपका लेंथ के साथ साथ उसमें लेंथ के साथ साथ क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम होता है। अब नॉन प्रिज्मेटिक बार की बात करते हैं, तो नॉन प्रिज्मेटिक बार में क्या होता है कि जो लेंथ है उसके साथ साथ उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, चेंज होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है और बीच में कहीं कितना हो जाएगा, मान लीजिए DX हो जाएगा। तो लेंथ के साथ साथ जो आपका डायमीटर है, लेंथ के साथ साथ जो डायमीटर है वो चेंज हो रहा है और डायमीटर चेंज होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। सो हम जब भी हमारे पास नॉन प्रिज्मेटिक बार होगी तो हम उसमें डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला है DL = PL/AE, ये हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है, प्रिज्मेटिक बार के लिए। हमको नॉन प्रिज्मेटिक बार के लिए अलग से इलोंगेशन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नॉन प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन कितना होता है और कैसे हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉन प्रिज्मेटिक बार कंसिडर कर लेते हैं। सो इलोंगेशन इन नॉन प्रिज्मेटिक बार, तो सबसे पहले हमने इसमें एक नॉन प्रिज्मेटिक बार कंसिडर करा है जिसमें इस एंड पे डायमीटर कितना है D1 और इस एंड पे डायमीटर कितना है गाइस D2 और इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है P और इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कराने के लिए इस डायरेक्शन में कितना लोड लगेगा P। नाउ अब यहाँ पे जैसे डायमीटर चेंज हो रहा है तो हम एक क्या कर सकते हैं, एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी DX और इस एंड से वो कितनी डिस्टेंस पे होगा x डिस्टेंस पे और उसका डायमीटर कितना होगा गाइस DX। सो सबसे पहले हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है DX और कितनी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे, कहां से, लेफ्ट एंड से। लेट द डायमीटर ऑफ द बार बी DX और उसका डायमीटर हम कितना कंसिडर करते हैं DX से। अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से DX लिखें तो कितना लिख सकते हैं D1 - D2/L × x। अगर हम x यहां से पुट कर रहे हैं तो अगर हम x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा D1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे D1, यहाँ पे x 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो DX किसके इक्वल आ जाएगा D1 के इक्वल आ जाएगा। और जब हम D2 मतलब x क्या है L है, तो x की वैल्यू अगर हम L पुट करते हैं तो L से L कैंसिल हो जाएगा, D1 से D1, तो सिर्फ D2 बचेगा। मीन्स एट x = L आपको क्या मिल जाएगा D2 और एट x = 0 आपको क्या मिल जाएगा D1। तो उसी हिसाब से हम DX की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। नाउ अब ये वाली जो टर्म है D1 - D2/L ये कांस्टेंट है तो उसको हम K लिख लेते हैं ताकि बार बार हमको एक्सप्रेशन में इतनी बड़ी टर्म नहीं लिखना पड़ेगी। तो उसको हमने क्या लिख दिया K, फिर K इज D1 - D2/L। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर इस जो DX है अगर इसका हम एरिया लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वो हमारे पास आ जाएगा π/4 dx² DX की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं D1 - KX, तो वो हमने पुट कर दी तो π/4 D1 - KX² नाउ द स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो स्ट्रेस हम क्या लिखते हैं लोड अपॉन एरिया। लोड हमारे पास P लग रहा है, जो बार है उस पर लोड कितना लग रहा है P लग रहा है, तो हम लोड कितना लिख देंगे P और एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास π/4 D1 - KX² फोर ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा 4P / π D1 - KX² अब ये हमने स्ट्रेस लिखी।
अगर हम स्ट्रेन लिखते हैं तो स्ट्रेन उस एलिमेंट लेंथ dx में कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस बाय e. स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा x, और e कांस्टेंट है. अब अगर हमको इलोंगेशन लिखना है तो आपका जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, डेल्टा l बाय l. यहाँ पे आपका डेल जो है और l क्या है यहाँ पे dx, तो वो हो जाएगी आपकी dx into स्ट्रेन. तो यही है, तो आपका जो इलोंगेशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेन इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है यहाँ पे dx. स्ट्रेन हम ऊपर से भी लिख सकते हैं 4p डिवाइडेड बाय पाई d1 माइनस kx का होल स्क्वायर. सो हमने स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. अब गाइस ये जो है ये स्मॉल एलिमेंट के लिए इलोंगेशन है, बट हमको पूरे बार का इलोंगेशन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो से जो x की वैल्यू है जीरो टू l, उस लिमिट में हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हम जीरो से एल लिमिट पे इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे. तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, 4p dx डिवाइडेड बाय पाई ई डी वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर. अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टू लिख सकते हैं, फिर ये वाली जो टर्म है वो कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर लेके आ गए, 4p डिवाइडेड बाय पाई ई, और इंटीग्रेट कर दिया जीरो से एल डी वन माइनस के एक्स की पावर माइनस टू डीएक्स. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और जब हम लिमिट पुट करके जो हमारी के की वैल्यू है डी वन माइनस डी टू बाय एल, तो इसको जब हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो डेल्टा एल आ जाएगा नॉन प्रिज्मेटिक बार के लिए वो आ जाएगा 4 पी एल पाई ई डी वन इंटू डी टू. अब मान लीजिए कि अगर आपका डी वन इक्वल्स टू डी टू होता तो आपका ये जो बार है वो प्रिज्मेटिक बार हो जाता. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में डी वन इक्वल्स टू डी टू लिखते हैं तो ये आपका डी स्क्योर बन जाएगा, और फोर नीचे आ जाएगा तो वो बन जाएगा फोर पाई डिवाइडेड इंटू डी स्क्योर, जो कि आपका एरिया होता है प्रिज्मेटिक बार के लिए. तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा. नाउ इसका क्वेश्चन कैसा आता है, सिंपल, इसमें सारी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला हमको पुट करना है. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. ए रोड विच टेपर्स फ्रॉम 40 mm डाया टू 20 mm डाया इन ए लेंथ ऑफ 400 mm इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 5000 न्यूटन इफ ही इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रोड. सो हमको एक टेपर मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला बार गिवन है, जो कि 40 mm से कहाँ तक जा रहा है, 20 mm तक. मतलब हमका D1 कितना हो गया 40 mm, और हमारा D2 कितना हो गया 20 mm. E आपका गिवन है 2.1 into 10 की पावर 5, P आपको गिवन है 5000, L आपको गिवन है 400. सो ये आपका नॉन प्रिज्मेटिक बार है, और नॉन प्रिज्मेटिक बार के लिए फॉर्मूला कितना होता है, 4 पी एल डिवाइडेड बाय पाई ई डी वन डी टू. तो हम वो पुट कर देंगे और उसमें सारी वैल्यूज जो हमको गिवन है वो रख देंगे. सो पी आपको गिवन है 5000, वो रख दिया. एल आपको गिवन है 400, डी वन डी टू गिवन है 40 एंड 20, और ई जो कांस्टेंट होता है वो आपको गिवन है 2.1 इंटू 10 की पावर 5. सो हम अगर इसको सोल्व करेंगे 5 into 5, तो ये आ जाएगा गाइस आपके पास 0.015 mm. तो ये आज हमने देखा इलोंगेशन हम प्रिज्मेटिक बार और नॉन प्रिज्मेटिक बार में कैसे फाइंड करते हैं. हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के तीन वीडियोस पहले हमारे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और वो तीन वीडियोस देखिए. हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक से चालू किए हैं, सो प्लीज़ गाइस आप उन वीडियो को देखिए. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल NK क्लासेस को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.